तो बॉयज आज हम जा रहे हैं गाड़ी एसी का काम कराने। तो सीन ये है कि कंप्रेसर चेंज होगा, कंप्रेसर मेरी गाड़ी में ही पड़ा है, तो बस उधर जाएंगे, कंप्रेसर चेंज होगा। और उम्मीद ये है कि एसी के कार्ड का इशू ना हो, क्योंकि एसी का कार्ड मैं पहले ही लगवा के चेक कर चुका हूँ और उन्होंने बोला कि एसी का कार्ड सही है। हम जाने के लिए रेडी हैं और थोड़ी देर हो रही है, मुझे 9 बजे तो पहुँचना था और अभी 9 बज रहे हैं, तो हमारे पास मार्केट है तो मुश्किल तो नहीं है टाइम पे पहुंचना, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी फर्स्ट सीट। I keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep. बॉयज़, तो सीन ये है कि गाड़ी का काम कराने हम जा रहे हैं और सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए। और ये है कि एसी का काम है गाड़ी का, तो एसी का कंप्रेसर चेंज होगा, और अगर कंप्रेसर में इशू नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में इशू हुआ, तो मे बी कार्ड का इशू होगा। और देखते हैं कि कार्ड का इशू ना, क्योंकि कार्ड का इशू हुआ तो कार्ड मंगवाना पड़ेगा मुझे सदर से, तो वो नेक्स्ट डे को बात चली जाएगी, जो कि लंबी खुआरी हो जाएगी फिर एक। लेट्स सी क्या होता है। तो वैसे तो एसी के काम के लिए मैं जा रहा था फेज़ 2, लेकिन फेज़ 2 में जो मैकेनिक था वो नहीं कर पाए एसी का काम, तो अभी हम जा रहे हैं तारिक रोड। हम पहुंच चुके हैं क्विक कूल। देखें, नाम सुने दुकान का तो आपको खुद ही एक फीलिंग आएगी कि यार काम कितना क्विक होगा। तो लेट्स सी कितना क्विक काम करते हैं ये क्विक कूल वाले। तो इस गाड़ी में इशू ये था कि इस गाड़ी में ना मार्क 2 का कंप्रेसर अल्टर हुआ हुआ था, और रेडिएटर का फ़ैन भी डायरेक्ट हुआ था, मतलब गाड़ी स्टार्ट होगी और रेडिएटर का फ़ैन भी ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हुआ था। ये तारें नज़र आ रही हैं, ये तारें धो कनेक्ट करूँगा तो मेरा भी एसी चल जाएगा। लेकिन सीन ये है कि मुझे काम सारा जेन्युइन चाहिए था, तो मैंने ये सारा जेन्युइन किया। अभी इन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, वरना पहले सीन ये था कि मैं बस फ़ैन को ऑन करता था ना, एसी साथ चल जाता था। तो हमने ये काम करना है जेन्युइन के जब फ़ैन ऑन करूँ तो सिर्फ फ़ैन चले, और जब एसी ऑन करूँ तो सिर्फ एसी चले। तो देखते हैं कि आज काम हो जाता है, वरना नेक्स्ट डे पे बात चली जाएगी। तो एसी का कंप्रेसर निकालने से पहले एसी की गैस निकाल लेते हैं, तो ये भाई ने भी एसी की गैस निकाल ली है, तो इसके बाद ये एसी को निकालना शुरू करते हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर गाड़ी के तकरीबन इंजन के साथ, इंजन के बेल्ट के साथ ही होता है, वो आपको नज़र आ रहा हो कंप्रेसर नीचे लगा हुआ है, और ये कंप्रेसर गाड़ी के नीचे से ये व्यूज़ हैं। तो कंप्रेसर के बेसिकली 4 मेन बोल्ट होते हैं, और ये मेन टाइमिंग बेल्ट लगी होती है कंप्रेसर के साथ जो कि इसको पावर करती है। ये कंप्रेसर की वायरिंग है, और कंप्रेसर के 4 मेन बोल्ट होते हैं जो बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर हमारा, वो बस उन 4 बोल्ट को उतारें तो कंप्रेसर बाहर आ जाता है। तो ये कंप्रेसर है, और एक सेंसर इसमें ये लगा हुआ है, और एक सेंसर इसमें ये लगा हुआ है। एक सेंसर भी ख़राब हो तो ये कंप्रेसर नहीं चलता, और ये सेंसर की वायरिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। तो बॉयज़, ये हाँ, मैं कंप्रेसर हमारा ये रहा, और इसमें भी कोई इशू नहीं था, बस सेंसर का मसला था। साथ में और भी गाड़ियों पे तो काम हो रहे हैं काफ़ी, सुबह के टाइम इतनी बिजी नहीं होती है रोड जितनी दिन के टाइम बिजी होती है। जब C180 है, इसका भी कंप्रेसर चेंज हो रहा है। और इस तो नया कंप्रेसर लगाया है और उसमें भी सेम इशू आ रहा है, तो प्रोबेबली वायरिंग का इशू है या इशू उसका है एसी के कार्ड का। अभी डायग्नोस कर रहे हैं, तो फिर आपको अपडेटेड रखेंगे।
बॉयज मार्केट्स का काम हो गया है और अभी हम रोहन भाई की वर्कशॉप पे आए हुए हैं। ये रोहन भाई की रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड यूरो आर्ट। इंशाल्लाह इस गाड़ी का रिव्यू आएगा और ये वो एवोल्यूशन मित्सुबिशी और इसका भी रिव्यू आएगा इंशाल्लाह वेरी सून। तो गाइस ये हारिस भाई हैं जो कि हमारा ईसीयू चेंज कर रहे हैं और ये उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर हैक कर दिया है। देखें ये देख रहे हैं, तो लेट्स सी कि एसी चलता है या नहीं चलता। अब कब से यार रात का टाइम हो गया है, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड।